हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बेसन से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। बच्चे हमेशा पिज़्ज़ा की डिमांड करते हैं, आप इसे इस तरह से बना के दोगे तो बच्चे भी खुश और ये कुछ हेल्दी भी है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अब लेंगे यहाँ पे कोई मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालते हैं, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 गाजर बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, नमक गिरेंगे स्वाद अनुसार, 2 पिंच हींग। पहले इसको मिक्स करेंगे, ये हो गया मिक्स। अब इसमें डालते हैं पानी, पहले पानी थोड़ा ही डालेंगे, इसको कर देंगे मिक्स। आप यहाँ पे सब्जी कोई सी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जो पसंद नहीं हो उसे स्किप भी कर सकते हैं, सब्जियाँ यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है। इसका टाइट सा बैटर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। बच्चे हमेशा पिज्जा की डिमांड करते हैं, आप इस नाश्ते को बना के बच्चों को दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे देख के। ये हो गया मिक्स, और देखिए इसे इतना टाइट रखना, इससे पतला नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए, यहाँ पे मैंने व्हाइट वाले यूज करे हैं ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन वाले या फिर मैदा वाले यूज कर सकते हैं। अब लेंगे बेसन वाला बैटर जो हमने तैयार करा है, इसके बीच में डालेंगे ब्रेड, इसे चारों तरफ से कोट कर देंगे। कोट करने के बाद इस तरह से ब्रेड उठा के पैन में रख देंगे, पैन के ऊपर डालेंगे बटर या फिर तेल, चारों तरफ फैला देंगे पैन पे, ब्रेड को रख देंगे पैन पे, आराम से रखेंगे। ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे चारों तरफ, इसकी गैस लो टू मीडियम रखें। 2 मिनट के बाद इन्हें पलट देंगे, इन्हें आराम से पलटेंगे, दूसरे वाले ब्रेड को भी पलट देंगे। पलटने के बाद थोड़ा सा और तेल डाल देंगे साइडों में, और इस साइड से भी 2 मिनट तक हम सिकने देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी है। इस नाश्ते में हमने सब्जियाँ भी डाली हैं, इस तरह से बच्चे सब्जियाँ भी खा लेते हैं। 2 मिनट हो गए और दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। और देखिए कितना क्रिस्पी है, मैं दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो गए हैं। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनके हो गया रेडी। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इस नाश्ते में हमने सब्जियाँ यूज़ करी हैं, और देखिए देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, दोनों साइड से क्रिस्पी है ये। आप इस नाश्ते को हरी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को आपको ट्राई करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, थैंक यू।